बेमेतरा जिला मुख्यालय में आज कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने सीमार्ट का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे, बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा, कलेक्टर भोस्कर विलास संदीपान मौजूद रहे। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि पूरे छत्तीसगढ़ में सीमार्ट का उद्देश्य यह है कि हमारे गौठानों में काम करने वाले महिला समूह को सामग्री बिक्री करने का स्थान मिल सके। यहाँ पूरे जिले भर के महिला समूह के द्वारा तैयार किए गए प्रोडक्ट बेचे जाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बचाने गढ़कलेवा भी शुरू किया है, बोरेबासी भी खाने को प्रेरित किया जा रहा है। बेमेतरा से विमलेश द्विवेदी की रिपोर्ट। कैसा कार्यक्रम था, क्या कार्यक्रम था? बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे जिला मुख्यालय बेमेतरा में हमारे दोनों आदरणीय विधायक साथी भाई गुरदयाल जी और संसदीय सचिव और भाई आशीष जी की उपस्थिति में सी मार्ट का आज हम लोगों ने उद्घाटन किया। पूरे छत्तीसगढ़ में सी मार्ट का उद्देश्य ये है कि हमने लगभग 8000 गौठानों का निर्माण किया है और उन गौठानों में हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के महिलाएं हैं वो जो प्रोडक्ट तैयार करती हैं उनके लिए बाजार देना एक हमारा प्रमुख उद्देश्य है। तो विक्रय के लिए जिला मुख्यालय में सी मार्ट में पूरे बेमेतरा जिले के जो महिला समूह के द्वारा जो प्रोडक्ट तैयार किया जाएगा उसका विक्रय किया जाएगा। उसका आज इनॉग्रेशन था। हमारे प्रशासन के सभी अधिकारी और सभी जनप्रतिनिधि यहाँ मौजूद थे। उसके पश्चात गढ़कलेवा का भी हमने उद्घाटन किया। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की संस्कृति को लेकर के आदरणीय मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, 1 मई को मजदूर दिवस के दिन पूरे प्रदेश में मजदूरों के सम्मान में बोरेबासी खाने का निर्णय लिया गया और ये हमारा गढ़कलेवा तो छत्तीसगढ़ के जितने भी हमारे खान पान हैं उसको विक्रय का एक प्रमुख स्थान है। उसकी भी आज शुरुआत हुई है। आने वाले समय में उसको और सुव्यवस्थित किया जाएगा। महिलाओं ने मांग किया है कि वहाँ थोड़ा कूलर लगाया जाए, थोड़ा छाए की व्यवस्था किया जाए। हमने जिला प्रशासन को इस हेतु निर्देश दे दिया है। सर, अभी जो